हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज की वीडियो उन सभी साथी के लिए होने वाली है जो साथी दिव्यांग है, वृद्धा है या 60 साल ओल्ड एज वाले हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि आपको अपनी जो अधिकार हैं वे कैसे लेने हैं और उन अधिकारों को आपको कैसे ज़बरदस्त प्राप्त करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, जितने भी दिव्यांग साथी है कहीं पर भी है पूरे भारत में, हर दिव्यांग साथी का एक अपना अधिकार है। उसके लिए अलग से योजनाएं बनाई गई हैं, बट वे योजना उस विकलांग आदमी, दिव्यांग आदमी, विधवा को नहीं मिल पाती है। जैसे पेंशन है, 60 साल है, विधवा है, वृद्धा है, तो उनको पेंशन नहीं मिल पाती है। जिसकी पेंशन मिल रही है तो किसी की आ नहीं रही है, किसी की KYC नहीं हुई है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज सब कुछ बताने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जिसकी पेंशन बनी हुई है और नहीं आ रही है तो उनकी KYC नहीं हुई है। KYC क्यों नहीं हुई? KYC इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, ये होना अनिवार्य है। अब मैं बता दूं, अगर आपका आधार कार्ड में नाम अलग है और बैंक अकाउंट में नाम अलग है तभी KYC नहीं होगी। और आधार कार्ड में नाम सेम होना चाहिए, बैंक की किताब में भी नाम सेम होना चाहिए, और जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, और जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, फिर जो है आपकी KYC हो जाएगी और पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। दिव्यांगों के मकान नहीं बन पा रहा है। मकान क्यों नहीं बनना है? अच्छे आदमी के मकान है, दिव्यांग के मकान नहीं है। राशन कार्ड नहीं है दिव्यांगों के। जो अंत्योदय राशन कार्ड होता है वो अच्छे आदमी का राशन कार्ड है और दिव्यांग का राशन कार्ड नहीं है, तो वो राशन कार्ड अपना जरूरी बनवाए। अब मैंने एक चीज़ और देखी है, हर जगह एक एक ज़िले में दिव्यांग साथियों ने कई कई संगठन बना रखे हैं। अब संगठन का मतलब क्या होता है? संगठन का मतलब ये है, जितने भी दिव्यांग साथी हैं वो सब एकजुट हो जाएं, एकजुट होकर अपना अधिकार मांगे, अपना धरना दे। अगर कोई अधिकार नहीं मिलता है तो उसको धरना दे। बट हो क्या रहा है? हो ये रहा है, अगर मान लो मैं किसी और संगठन का हूँ, दूसरा किसी और संगठन का है, अरे भाई संगठन कितने भी बना लो बट मांग तो सबकी एक ही है, अधिकार तो सबके एक हैं, पर वो कहता है कि हमारे संगठन में जाओ, दूसरा खींचता है उसको, उसकी टांग खींचता है, वो उसकी टांग खींचता है, वो एक दूसरे के खिलाफ है। भाई ऐसा काम नहीं चलने वाला, नहीं आपको इसी वजह से कोई सुविधा मिल पाती है। सारे दिव्यांग साथी जितने भी संगठन वाले हैं सब एक हो जाओ, ये एक दूसरे की टांग पकड़ना छोड़ दो। अब मैं बता दूं आपको, जो भी योजना आती है उस योजना का लाभ लो। पेंशन है पेंशन बनवाओ, राशन कार्ड है राशन कार्ड बनवाओ, मकान है मकान बनवाओ, रोज़गार है तो रोज़गार की मांग करो। अब मैं बताऊँ आपको किस तरह से काम करना है। नंबर एक तो सारे भी जितने भी दिव्यांग साथी है सबको एकजुट होना है, एकजुट होकर ही हम लड़ सकते हैं, हम अपना अधिकार ले सकते हैं। हम जाते हैं जिले में ज्ञापन देने जाते हैं DM साहब के पास, तो DM साहब के पास जाओ, अपनी मांगे रखो, DM साहब से कहो जी सबसे पहले तो हमें अपना आवास चाहिए, हमें मकान चाहिए, आप हमारी कंडीशन देखें, आप हमें मकान दिलाओ। बहुत शांतिपूर्वक आप बात करो, कोई भी अधिकारी अगर आप शांतिपूर्वक बात करोगे, सही तरीके से आपका बात करने का तरीका है, तो कोई भी अधिकारी आपको मना नहीं करना। एक एक चीज़ का ज्ञापन दो, आप जब मकान का ज्ञापन दे रहे हो, अब अधिकारी जो है जिले के जो अधिकारी हैं DM साहब जो होते हैं उनको मकान का ज्ञापन दो, राशन कार्ड का ज्ञापन दो। अब उसमें क्या है, आप जो है CM के पास जाओ, अपने राज्य में जाओ, राज्य में ज्ञापन दो CM साहब को, जी हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, पेंशन 5,000 3,000 जितनी भी मांग रखनी है उनके मांग करें, ज्ञापन दें। अब DM साहब के पास जाके जो है आप अपने अंत्योदय राशन कार्ड का ज्ञापन जरूर दें। सही आदमी के अंत्योदय राशन कार्ड बने हुए हैं और किसी भी दिव्यांग साथी का राशन कार्ड नहीं बनाओ, अंत्योदय राशन कार्ड नहीं बनाओ। किसी दिव्यांग साथी का अंत्योदय राशन कार्ड बनाओ तो मुझे वीडियो के कमेंट करके बताएं कि भाई मैं उस जगह से हूँ और जो है मेरा अंत्योदय राशन कार्ड बना हुआ है। नहीं बना हुआ भाई, 5,500 दिव्यांग साथियों से तो मैं मिल चुका हूँ, किसी का अंत्योदय राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। तो आप सबसे पहले DM साहब के पास जाएं, अपना राशन कार्ड ऑनलाइन कराएं और अंत्योदय राशन कार्ड बनवाएं। हम जाते हैं डीलर के पास, डीलर साहब मना कर देता है आपका राशन कार्ड नहीं बनागा, फुल हो चुके हैं कि कोई सीट खाली नहीं है। अरे सीट खाली क्यों नहीं, जो अच्छे आदमी उनका कटाओ ना, उनको निस्तारित करो, उनको डिलीट कराओ और हमारा राशन कार्ड बनाओ। अड़ जाओ इस बात के ऊपर कि जो भी राशन कार्ड बने हुए हैं अच्छे आदमी के, उनको डिलीट करो और हमारा बनाओ। अड़ जाओ इस बात के ऊपर, बनेगा 100% बनेगा। और जो मना करता है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके अधिकारी को शिकायत करो। यही मकान का मामला है, अच्छे आदमी के मकान बन रहे हैं, दिव्यांग का किसी का मकान नहीं सरकारी। अगर हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताओ कि है, तो हम से एक दो का हो जाओ बात अलग है। तो इस बात पे भी आप, अगर कोई प्रधान या सेक्रेटरी मना करता है तो अड़ जाओ इस बात को, वीडियो बना लो उसकी,
अच्छे आदमी का बनाओ भाई, अच्छे आदमी का क्यों बनाओ, हमारे क्यों नहीं बनावा। रोजगार की मांग करो। रोजगार के लिए बताऊँ, यूपी के अंदर हर ग्राम पंचायत में सहायक भर्ती निकली हुई है, उसमें एक भी दिव्यांग नहीं रखा। इसकी मांग करो, उसमें जो सहायक भर्ती में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है, इतना काम कर सकता है दिव्यांग, पढ़ा लिखा है उस पर जो है कंप्यूटर ऑपरेटर में दिव्यांग ही होना चाहिए। अब टंकी लग रही है हर ग्राम पंचायत में, पानी वाली टंकी लगी हुई है, उसकी मांग करो भाई, दिव्यांग को रोजगार दिया जाए। अच्छा आदमी नहीं होना चाहिए उसमें जो पढ़ाई लिखाई का काम है, कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी है, तो जो दिव्यांग कर सकता है उसको दिव्यांग को देना चाहिए। जो दिव्यांग से नहीं होता, जब दूसरे आदमी काम देना चाहिए, पर क्या अच्छा आदमी भग रहे हैं, दिव्यांग का कोई नाम ही नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान दो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को दबा दें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि मकान कैसे ऑनलाइन होगा, आपका शौचालय कैसे ऑनलाइन होगा, पेंशन किस तरह से ऑनलाइन होगी, ये सारी वीडियो हमने अपने चैनल पर वीडियो बना के डालेंगे। और पेंशन कैसे ऑनलाइन होगी, इस चीज़ की हमने वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं पेंशन में क्या क्या दस्तावेज लगते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक एक योजना की आपको जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।